हेलो रिवन, तो कैसे हैं आप? वी आर बैक अगेन अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मी हैदर अली। तो आज का वीडियो होने वाला है जी डक्की बाई का लेटेस्ट वीडियो, और वीडियो का जो टाइटल है वो है जी इंडियन अडल्ट प्रैंक चैनल मस्ट बी स्टॉप। तो देखते हैं जी कि ऐसा क्या है इन प्रैंक्स चैनल में जो डक्की बाई ने कहा है कि इनको जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। तो वीडियो को जो एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। वाह 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 वाह। तो टिकटॉक की तो काफी यकियां कवर कर ली थी हमने पिछले दिनों, तो आज मैंने सोचा कुछ यूट्यूब की ब्रांड न्यू सील पैक चवलियां नापते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि वो जो 2 लाख लाइक्स पे जो मुजरा डेयर किया गया था वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना अगर पहले से नहीं देखा हुआ, और साथ फॉलो भी मार लेना। और मजे की बात यह है कि मुजरा मैंने टिकटॉक के लिए तैयार किया था और टिकटॉक वालों ने मेरी वीडियो ही हटा दी। मतलब पैं जो थक के तुम्हें मेकआउट करते हुए फाड़ियों पेज पे शो हो जाएंगे, लेकिन इन दूसरी वालों को एक पैरोडी डांस वीडियो से मसला है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उससे पहले ये मेरी 6 वीडियोस उड़ा चुके हैं जिसमें मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ। कि सानू फुद्दू समझाया है, असि बगैर पैसे ने पैगे लोने साडा दिल नहीं करता सी फेमस होइए। टिकटॉक वालों यार एक गल दस, अब मैं ये भी सस्ते नशे करके सो हुए हैं, सिंग शुरू कर दूं या काड़ी साहब वाली दाढ़ी रख के मॉडलिंग शुरू कर दूं, फिर डालोगे फाड़ियों पेज पे? खैर टिकटॉक की नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंतहाई वेल लोन की यूट्यूब वीडियोस, डबल मीनिंग क्वेश्चंस। ये उन्हीं वीडियोस में से एक है जो बाहर जाके नहीं शोखे हो रहे होते अपनी तरफ से, लड़कियों से सेक्स वाले क्वेश्चन पूछ के अपनी तरफ से 30 मार खान बन रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो ना, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग कौन से कॉलेज से हो? कौन सा कॉलेज? यो कॉलेज से हो। अच्छा तो हम लोग ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे लाइफ के रिलेटेड, आपको बस आंसर देना है, इजी रहेगा। तो आपसे पूछता हूँ, आप गेम खेल रहे हो क्या? अच्छा तो आपका कितना बड़ा है? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मतलब आपका बड़ा कितना है? पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ तूने लेके देखा है ना बहन, जो साइज इसका पूछा जा रहा है और एक्साइटमेंट इन भाई साहब को हो रही है। मतलब दोस्तों के नुन्नू नाप के रखे हुए हैं, भाई साहब ने लिस्ट बना के रखी है, और जिसका सबसे लंबा है उसे भाई साहब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर भी कहते हैं। मतलब आपका बड़ा कितना है? 5.5। भाई मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल कितना? 5.5। भाई आपका दिल कितना बड़ा है? मतलब अगर कोई रास्ते पे गरीब दिखा तो आप मदद करते हो? कभी कभी। मतलब है बड़ा है यार। मतलब इस उम्र में तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि मेरा है भी कि नहीं, और इस बच्चे को अपना एग्जैक्ट साइज याद है, 5.5। अबे साले, इस तरह का कोई आदमी तुम लोग के पास आए ना और पूछे कि आपका कितना बड़ा है तो जाके सीधा बोला करो कि अपनी बाजी से पूछ लो। अच्छा तो एक ऐसी चीज जो लंबी होती है, हार्ड होती है, और उसके अंदर कम रहता है, CUM कम। CUM कम कम मतलब मेरा लौड़ा। मैं अगर ऐसे बीच के किनारे अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज बंक करके बैठा हूँ ना चिल मारने, और कोई ऐसी बंदी आके मेरे से कम शम करे, तो सबसे पहले इसको मैं बाजू से पकड़ूंगा, दोस्त मेरा टांगों से पकड़ेगा, और सीधा फेंकना इसको मैंने पानी में, पैर लेना उधर अपनी कम शम। खैर अब मैडम ने डबल मीनिंग क्वेश्चन पूछा है तो कोई ट्विस्ट भी होगा, फनी ट्विस्ट देखते हैं भाई। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में तो आंसर भी हिंदी में करना चाहिए ना यार। हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब वो हर एक चीज का स्पेसिफिक। हाँ पर वो गाली है ना? नहीं हाँ गाली नहीं है। हाँ क्या एल वाला? क्या लौड़ा लौड़ा? नहीं बड़ा आंसर गलत है, इसका आंसर है क्यूकम्बर। कुछ भी कुछ भी। मुझे नहीं पता था कि क्यूकम्बर हार्ड होते हैं। ये हार्ड है, एक ठप्पा मारा वो आधा हो गया पैन। ऐसी बंदियां होती हैं हुकूमत की तरफ से गाजर मूली 20 रुपए किलो हो जाए तो अपने घर पार्टी रख लेती हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कोई इसका जवाब क्यों दे, हम यहाँ पे 2 गालियां यूट्यूब पे दे दें तो एज रिस्ट्रिक्शन ऐसे आती है जैसे इनकी बाजी बगाई है हमने, और यहाँ कितने इंच का है, क्या निकलता है उसमें से, ये सब पूछा जा रहा है, और यूट्यूब वाले खुद बैठ के उसके चस्के ले रहे हैं। यूट्यूब रिएक्शन ऑन डबल मीनिंग। अच्छा तो एक ऐसी चीज जो लंबी होती है, हार्ड होती है, और उसके अंदर कम रहता है, CUM कम। क्लासिक। मतलब पैं जो थक के तुम्हें गाड़ी में मेकआउट करते हुए फाड़ियों पेज पे शो हो जाएंगे, लेकिन इन दूसरी वालों को एक पैरोडी डांस वीडियो से मसला है भाई। दिस इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर, ये भारत सभ्यता के खिलाफ है। चल
लसड़ी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, आप सुबह से लेके शाम तक शूज पहन के रखते हो, ठीक है, जब आप शूज निकालते हो तो आप देखते हो कि पैर पूरा व्हाइट हो जाता है, लेकिन हम लड़के बचपन से अंडरवेयर पहन के रखते हैं लेकिन आज तक वो ब्लैक है। उत्तर इसका जवाब ये है कि तेरी वो चीज कभी यूज नहीं हुई तो उसे जंग लग चुका है। एक काम कर, उस पे थोड़ा सा ना तेजाब फेंक या फिर तेजाब के अंदर ही उसकी डुबकियां लगवा। इससे ना दो चीजों की पॉसिबिलिटी है, या तो तेरा जंग उतर जाएगा और वो गोरा हो जाएगा, और अगर गोरा ना हुआ तो काला भी नहीं रहेगा। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है जिसमें में जितने सुराख होंगे कमाई उतनी ही ज्यादा होती है। 20 साल से पहन रहे, 25 साल से पहन रहे, सूज तो एक दिन में 6 घंटे में हो जाता है। फेरन हैंडसम लगा लो यार। उससे हो जाता है। मैं भी चेहरा होता होगा तो वो भी हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि मुंह छुपा किससे रही है, और अगर ये मुंह नहीं छुपा रही तो ये एक्चुअली में क्या छुपाना चाह रही है। और फेरन हैंडसम की जगह पुत्र तू शादी कर ले, फेन स्क्रीम लगा, 50 रुपए में लंडे फुल चिट्टे। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि फेन स्क्रीम से इसका गोरा हो भी जाता है तो तुझे कौन सा किसी ने जॉनी सिंस की जगह बैठा देना है। और भैंक कौन सी लड़की है जिसके पांव चिट्टे होते हैं। हमें तो हमेशा से यही नसीहत मिली है कि कभी भी लड़की देखो तो सबसे पहले उसके पैर देखो। लड़की की नीयत उसका रंग बताती है, लेकिन लड़की का रंग उसके पैर बताते हैं। और ये जो तू कह रहा ना कि 6 घंटे बाद जराबों से सफेद पैर निकल आता है, तो पुत्र मैं तुझे बता दूं कि ना वो पैर था और ना वो जराब थी। आप लोगों ने कभी LUND देखा है? ना भाई, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है इस बारे में। ऐसे बंदे होते हैं जो हर किसी से जाके ये सवाल करते हैं, और जो बोले कि हाँ हमने देखा हुआ है तो उसे बड़े फखर से बताते हैं कि हमने तो लिया भी हुआ है। इन जैसे बंदों को इनका मुंह देखकर ही जेल हो जानी चाहिए। Yes. मैं तो है ही। किसको दे रहा हूँ? Yes. पहले तो मुझे ये बताओ इस लड़के के पास 3-3 बच्चियां क्या कर रही हैं? जो हम बच्ची की आवाज सुनने के लिए कॉल का कह दें तो इनके अब्बू आ जाते हैं। हालांकि 5 मिनट पहले उन्हीं के मुताबिक उनका अब्बू अमेरिका में अपना बिजनेस चला रहा होता है। बच्ची से मिलने के लिए कह दो तो इनका अब्बा जापान से उड़ के इनके कमरे के बाहर आके पहरे देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आईफोन लेने की बारी आ जाए भाई तो पापा की पड़ियां सीधा उड़ के आती है। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने कहां देखा? चलो भाई सारे अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो और बताओ कहां पे देखा, कैसे देखा। देखने से पहले कोई नोट थोड़ी करेगा कि भाई कहां पे देखा जा रहा है, लोकेशन मार की जाती है क्या? और पुत्र जिसे तू पूछ रहा है ना उसे दिखाने ही देखे हुए हैं। किसी ने वीडियो भेजी थी। किसी ने आपको वीडियो भेजी? कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। आपने क्या? म्यूजिक। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस लंड के पास लंड कहां से आया, और अगर आ भी गया है तो पैंच इसको कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि इसी का देख के अपना मूड खराब करना था। पैंच मुझे बताए थे 4 किलो मूलियां फ्री में होम डिलीवर कर देता यार। वैसा क्या है जो मसल मसल के खड़ा करते हैं एंड थूक लगा के घुसा देते हैं। इस बंदे की कसर अब इतनी भर गई है कि अब इसे जवाब नहीं कुछ और ही चाहिए। ये चाह रहा है कि इस पे कोई प्रैक्टिकल करे। बेटा मसलने का तो पता नहीं लेकिन काम थूक के बगैर भी हो जाता है, लेकिन तेरे केस में मसलने के बाद भी कुछ नहीं होना। हम किसी फेसबुक पे पापा की पड़ी से उसका असली नाम पूछने तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसका हाथ मांग लिया। अपनी बच्ची से हाथ पे चुम्मी लेने से आगे जाने का सोचना नहीं कि लाइफ में रवाना हो जाऊं कहीं। और यहां 11 साल का बच्चा जिसकी लुल्ली से भरा मेरा अंगूठा होने वो सरेआम कैमरे पे एक आंटी को फंसा चुका है। इस उम्र में हम आंटियों से चॉकलेट टॉफियों से ज्यादा कुछ मांगते नहीं थे, अब जब शादी की उम्र आई है तो आंटियां बच्चों से और बच्चियां बुड्ढों से फंसना शुरू हो गई हैं। मुझे तो दिल कर रहा है किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके बैठ जाऊं और अपनी प्री बुकिंग करवा लूं। पैंट बुड्ढे होते होते टाइम तो आ ही जाएगा अपना। खैर अब भाई साहब का तो ये सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मसल मसल के खड़ा करके थूक लगा के वार दिया जाता है। लेकिन अब क्या करें, ये इंडियन प्रैंक चैनल है, इंडियन फनी इंटरव्यू चैनल, पब्लिक इंटरव्यू, डबल मीनिंग क्वेश्चन, तो कुछ फनी आएगा ना आगे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सुविधा का। अबे पिलपिली डुई, तू क्या धागे को हैंड जॉब देता है उसको सुई में वारने से पहले? मसल मसल के खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। मतलब धागे को सुई में वारने के लिए उसको मसल मसल के खड़ा करने पहले? कहां से लाते हो भाई इतना चुतियापन? किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, और हर पति अपनी पत्नी को शादी के बाद वो देता है। किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, और इसे सब का पता है कि किसका कितना है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसे सवाल कर कैसे लेते हैं, और ऐसे सवाल करने के बाद उसे टैलेंट और कंटेंट का नाम कैसे दे दिया जाता है। यहाँ पे तो किसी लड़की को सलाम भी कर दो तो ना होते हुए भी उसने तुम्हें ठरकी ही समझना है। मतलब बंदा किसी बच्ची को रोक के लाइन मारता है, उसको चेक करता है भाई, उसे नंबर मांगता है, उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन ये बंदा लड़कियों का माइंड चेक करता है, अंदर घुस के लड़कियों की सोच की गहराई चेक करता है। बंदा पूछे पैर अपने माइंड के अंदर डालने। अब जाहिर है फनी वीडियो है, फनी डबल मीनिंग क्वेश्चन है, तो कोई फनी ट्विस्ट भी होगा। इट्स द सरनेम, द लास्ट नेम। सरनेम, सरनेम। अबे इस कुत्ते को कोई समझाओ, शादी के बाद भी लड़की का सरनेम चेंज करने की उसकी मर्जी होती है। छठी फेल अपनी तरफ से गूगल से चूसने उठा के पब्लिक में शोखा हुआ है। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट द अ गर्ल डज एंड शी स्क्रीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट पेन्स अ लॉट? आई डिडंट वांट
भाई साहब का सवाल यह है कि कौन सी चीज ऐसी है जो लड़की पहली बार करती है और उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखे भी मारती है। मेरा एक सवाल है, पुत्र तू शुरू से ही पैनिक था या बाद में कोई हादसा हुआ है? मतलब इतने फाड़े सवाल बनाता कौन है बैठ के? और फिर ऐसे सवाल करने के बाद इन्हें लगता है कि हम स्टड स्वैग हो गए हैं। जवाब सुनते हैं भाई साहब का एक बार। इट्स एक्चुअली पियर्सिंग। अबे किसी इलोन मस्क के खब्बे टूटे, पियर्सिंग पे अब चीखे मारना जरूरी हो गया क्या? ऐसी भी है जो पियर्सिंग पे चीखे नहीं मारती और पियर्सिंग क्या सिर्फ लड़कियां ही करवाती है? अजीब अपनी तरह से चुतिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड डिग्री लेके पब्लिक कॉमेडियन बने हुए हैं। ऐसे बंदों को कोई मिडिल फिंगर दिखाए तो इस बात पर माइंड कर जाते हैं कि पैंट पूरा बाजू क्यों नहीं दिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो मार लेना भाई, उधर एक्टिव हैं आजकल, लिंक दिया होगा नीचे मैंने लाजमी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ भाई, 2 मिलियन करवा दो बस जल्दी से जल्दी। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर 100 लाइक मारने वाले के लिए सेक्स। इंडिया समझ रहा है, ये पाकिस्तान है बच्चे, ये 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 बात आ जाए मैं तुझे लफान कर रहा हूं, मैं सारे यूट्यूबर को कह रहा हूं ये 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 ए जा तू तो बंदा जा, बात आ जाए मैं तुझे लफान। हाँ जी तो गाइस यार ये था वीडियो, और वीडियो जो था काफ़ी कमाल का था, रोस्टिंग वीडियो था एक, ठीक है ना। और इंडियन प्रैंक चैनल जो हैं उनको जो है रोस्ट किया था, और यार का क्या बेतुके और फजूल से सवाल थे, पता नहीं लोग यार ये कैसे कर लेते हैं। यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जाके लोगों से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि वाइट नहीं हो रहा, कितना बड़ा है, मसल मसल के डालेंगे तो यार कैसे सवाल पूछते हैं यार, कैसे पूछ लेते हैं। तो यार इन पे जबकि यूट्यूब को चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए, ना कि किसी और वीडियो पे जिसमें जो है उसने खुद कंटेंट बनाया है, और एक तो जो है अगर बैड वर्ड इस्तेमाल हो भी है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन YouTube तो यार जो है सस्ते नशे करके सोया पड़ा है, इनको कोई होश नहीं है कि किस वीडियो पे क्या करना है, किस पे क्या नहीं करना। तो अभी रिसेंटली हमने जो है एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर, तो YouTube ने जो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, फुली बकचोदी मार दी, ठीक है ना। उसमें हुआ क्या, 3 से 4 सेकंड का जो था ना क्लिप वो यूज़ हुआ था, ठीक है ना। तो यार इतना तो चलते ही है, 3 से 4 मिनट का, और मिनट कह रहा हूँ सेकंड का जो था वो क्लिप पे यूज़ हो गया था। तो वीडियो अपलोड हुए अभी 6 से 7 मिनट ही हुए थे कि YouTube ने उस पर जो है फौरी स्ट्राइक मार दिया। तो यार यही तो फिर होता है ना कि सस्ते नशे के साइड इफ़ेक्ट्स, के पता नहीं चलता आप नशा कर लेते हो कि हाँ नशा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यार डक्की भाई के कहने की मतलब भी वाकई सच्चे कि ये जो बकचोदियाँ मार रहे हैं ना इनको अब जो है वो बंद कर देना चाहिए, और इन पर जो है एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, और ऐसी वीडियो को जो है वो बैन कर देना चाहिए यूट्यूब के ऊपर से। तो यार डक्की भाई के कहने के मुताबिक कि इसी वीडियो ऐसे प्रैंकस्टर्स को जो है वो बैन कर देना चाहिए, और यूट्यूब को चाहिए कि बाकी यार इन वीडियो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। तो आप भी अपनी राय के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अपने सजेशन भी हमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय। इंडिया समझ रहा है, ये पाकिस्तान है बच्चे, ये ये ये